बुधवार को मंडी जिले के थुनाग में आयोजित 4 दिवसीय सराज दीप उत्सव के समापन मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने लोगों से पेड़ लगाने व लगाए गए पेड़ों को बचाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेशवासी प्रदेश को हरा भरा और स्वच्छ रखने में अपने अपने स्तर पर योगदान दें। खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने जिला मंडी में सराज दीप उत्सव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और भव्य जलेब की अगवानी की। जलेब थुनाग में एडीएम कार्यालय से मेला मैदान तक निकाली गई। उन्होंने जलेब में शामिल थुनाग क्षेत्र के चारों देवताओं देव काला कमलेश्वर, देव खुड़ी जहल, देवी हिडिम्बा और देवी दलसन का आशीर्वाद लिया और देव कारदारों को नजराने के तौर पर 5,000 रुपये भेंट किए। इस मौके पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और यातायात नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करते हुए फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया है। अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाकर इस अभियान को सफल बनाने में उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की। ये हरियाली हमारी ऐसे बनी रहे, इसलिए हर एक को अपने घर में, बगीचे में, जंगल में पेड़ पौधे उगाना सबसे जरूरी है और उनकी देखभाल करना ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सबको यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा के संबंध में जिन बातों का ध्यान रखना है उनका पालन अच्छे से करना है। और कई बार आपने एक बात देखी होगी कि अक्सर मेले और शादी विवाह में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। कारण यह है कि कई बार हम लोग नशा करके गाड़ियां चलाते हैं। नशा करके गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि दुर्घटना का पता नहीं लगता कि कब क्या हो जाए। इस मौके पर वन मंत्री ने सरकारी विभागों द्वारा मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, मंडी।